का का मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया है जेड की वैल्यू दी हुई है रूट थ्री बाई टू प्लस आई बाई टू जहां पे आई की वैल्यू है रूट अंडर माइनस वन हमें फाइंड आउट करना है वन प्लस आई जेड जेड टू पावर एट देन होल टू पावर नाइन हमें पता है

ओके okay. तो हमारे पास i की जो वैल्यू है वो हमें पता है e I 2 होती है है z की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई सारे वैल्यूज को प्लग इन कर दिया एंड फाइनली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा वन प्लस इट पार आई टू पाई बाई थ्री प्लस इट पार आई फाइव पाई बाई सिक्स प्लस इट पार आई एलेवन पाई बाई सिक्स होल टू पावर हमें पता है इट पार आई थीटा जो होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है यानी इट पार आई टू पाई बाई थ्री हो जाएगी कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन टू पाई बाई हो जाएगी कॉस फाइव पाई बाई सिक्स प्लस आई एंड इट

हमें पता है हाफ जो होती है वो कॉस की वैल्यू होती है एंड रूट थ्री बाय टू साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है तो हमें एन होल टू पावर नाइन डीवाइवर थ्योरम यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस थ्री पाई प्लस आई साइन थ्री पाई कॉस थ्री पाई की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी एंड साइन थ्री पी थ्री पाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी हमें ध्यान रखना है कि कॉस एन पाई की जो वैल्यू होती है टू पावर होती है, जब एन की वैल्यू इंटीजर होती है एंड साइन एन पाई की वैल्यू होती है, जब थ्योरम यूज तो होगा एंड का बेसिक फॉर्मुलाइन एन पाई, पाई यूज होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू